नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने यूपी राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया, जिसके बाद बुधवार को उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भेंट की। ब्रजेश पाठक ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनकी पत्नी नम्रता पाठक भी मौजूद रही। डिप्टी सीएम ने अपर्णा यादव से मुलाकात की। तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की है, जिसमें अपर्णा उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ब्रजेश पाठक ने लिखा, आज आवास पर श्रीमती अपर्णा यादव जी से सप्तनेक भेंट कर उन्हें राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा के रूप में पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। आपको हम बता दें कि अपर्णा यादव ने बुधवार को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है और इस दौरान भी ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक उनके साथ दिखाई दी थी। इससे पहले अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। अपर्णा उन्हें महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाए जाने से नाराज बताई जा रही थी। उन्हें ये पद उनके कद के अनुरूप नहीं लगा, जिसके बाद उनकी सपा महासचिव और चाचा शिवपाल यादव से भी बात हुई थी। गौरतलब है कि अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरें आने के बाद हाईकमान एक्टिव हुआ है और सोमवार को अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जिसके बाद तमाम अटकलें खत्म हो गईं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने ही उन्हें आश्वासन दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भरोसा दिए जाने के बाद ये बात बन पाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।